नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। जैसा सौरभ ने आपको बताया, इस समय अमित शाह राज्यसभा में जवाब दे रहे हैं आज दिन भर की बहस का। जब इस पर वोटिंग होगी, फैसला होगा, हम एक बार फिर से चलेंगे राज्यसभा में। लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर है जो अमेरिका से आई है। अमेरिका में चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस बात के सबूत सामने आए हैं कि चीन बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करके दुनिया के कई मुल्कों में वहां की सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रहा है, दुष्प्रचार करवा रहा है। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और कई दूसरे अफ्रीकी मुल्कों के साथ साथ आपको आश्चर्य होगा, भारत का भी नाम है, जहां चीन अपना जाल फैला चुका है। कुछ मीडिया संस्थानों, अर्बन नक्सल्स और स्वघोषित बुद्धिजीवियों और कुछ पत्रकारों को हमारे देश में करोड़ों रुपए देकर चीन की सरकार अपनी तारीफ करवाती है और भारत सरकार के खिलाफ खबरें प्लांट करवाती है। हमारे देश में एक कंपनी को चीन के द्वारा 38 करोड़ रुपए दिए गए और अब पता लगा कि यह पैसा नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए दिया गया। हैरानी की बात है कि हमारी जांच एजेंसियों को 3 साल पहले इस कंपनी के कारोबार पर शक हुआ था। जैसे ही उस वक्त एक्शन हुआ तो कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरे राजनीतिक दलों ने सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया। बहुत सारे लोग इस कंपनी के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन आज अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि न्यूज क्लिक नाम के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में चीन ने एक अमेरिकी उद्योगपति के जरिए बड़े पैमाने पर पैसा पंप किया, उसे 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पहुंचाई और इसके बदले में इस कंपनी ने चीन के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया, एंटी मोदी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया। चीन की पूरी साजिश क्या है, इस साजिश को अंजाम देने के लिए चीन से पैसा किस रूट के जरिए भारत आया, जांच एजेंसियों की पकड़ में ना आ सके इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, भारत में पैसा किस किस को मिला और उस पैसे के बदले में भारत में रहकर किस किस ने भारत के खिलाफ कैसा कैसा प्रोपेगेंडा किया, इसकी एक एक डिटेल मेरे पास है। सवाल यह भी है कि इस खतरनाक साजिश पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी का इस साजिश के साथ नाम कैसे और क्यों जुड़ा? अमेरिका के अखबार में रिपोर्ट छपने के बाद सरकार ने क्या कहा, इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह बता देता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है उसमें चीन की साजिश के बारे में हमारे देश को लेकर क्या कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, तहकीकात है। इसमें दावा किया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसका मीडिया डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में एनजीओज, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और थिंक टैंक के जरिए चीन का प्रोपेगेंडा चलाता है। हैरानी की बात यह कि पूरी दुनिया में चाइनीज प्रोपेगेंडा को चलाने की जिम्मेदारी चीन की सरकार ने एक अमेरिकी नागरिक को दी है। यह अमेरिकन शिकागो का रहने वाला है लेकिन शंघाई में रहकर चीन की सरकार के कहने पर काम करता है। इस शख्स का नाम है नेविल रॉय सिंघम। सिंघम अमेरिका का बड़ा कारोबारी है, अरबपति है। चीन के इशारे पर काम करने के लिए सिंघम अमेरिकी कानूनों के लूपहोल्स का पूरा पूरा फायदा उठाता है। नेविल रॉय सिंघम ने अमेरिका में 4 एनजीओ रजिस्टर कराए। ये एनजीओ चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा लेते हैं और फिर ये पैसा दुनिया भर में उन लोगों को बांटा जाता है जो चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेविल रॉय सिंघम ने भारत में कुछ लोगों को पैसा देने के अलावा साउथ अफ्रीका के एक पॉलिटिकल पार्टी, अमेरिका के कई यूट्यूब चैनल्स को पैसे दिए। इसके अलावा उन्होंने घाना, जाम्बिया और ब्राजील के अलग अलग संगठनों को भी अपने अमेरिकी एनजीओ के जरिए पैसे पहुंचाए। अब भारत में नेविल रॉय सिंघम ने अपने एनजीओ के जरिए हमारे देश के ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक में काफी पैसा लगाया और उसके बदले में अलग अलग सब्जेक्ट पर चीन की ओपिनियन पब्लिश कराई, शी जिनपिंग की तारीफ करने वाले वीडियोस तैयार करवाए। अब सवाल ये न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल है,
इसे कौन चलाता है, चीन का इसमें क्या इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है PPK, ये कंपनी न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल चलाती है। इस कंपनी के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ है। न्यूयॉर्क टाइम्स पर जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक न्यूज क्लिक की पेरेंट कंपनी PPK न्यूज क्लिक और उसके मालिक प्रबीर पुरकायस्थ को विदेश से 38.5 करोड़ रुपए मिले थे। प्रबीर पुरकायस्थ की कंपनी ने ईडी को बताया था कि कंपनी को जो 38 करोड़ का फंड विदेश से मिला उसमें से 9.59 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए गए थे, बाकी के 28.29 करोड़ रुपए उसको सर्विसेज के एक्सपोर्ट के बदले में मिले थे। कंपनी में पैसे की गड़बड़ी हो रही है इसका शक ईडी को पहले से था, इसलिए 2021 में इस कंपनी पर रेड की गई। उस वक्त इसके लिए सरकार की आलोचना हुई, कहा गया कि मोदी के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अब तो साबित हो गया कि न्यूज क्लिक असल में फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज परोस रही थी और विदेश से FDI इन्वेस्टमेंट के नाम पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इनडायरेक्टली पैसे ले रही थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन से मिले इस पैसे का भारत में लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा करने, देश विरोधी माहौल बनाने और एंटी इंडिया एक्टिविटीज चलाने वालों को मदद देने में इस्तेमाल किया जा रहा था। न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया, आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि ये फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को। झूठा प्रोपेगेंडा, ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पैसा चीन की सरकार ने अमेरिका के बिजनेसमैन नेबिल रॉय सिंघम को दिया वो पैसा न्यूज क्लिक तक कैसे पहुंचा और न्यूज क्लिक ने इस पैसे का क्या किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिंघम को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अरबों डॉलर मिले, उनमें से सिंघम ने भारत में चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए न्यूज क्लिक को 38.5 करोड़ रुपए दिए। लेकिन यह पैसा बड़े शातिर तरीके से भेजा गया। अप्रैल 2018 में नेविल सिंघम ने कंपनी बनाई जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स। इस कंपनी के जरिए भारत में प्रबीर पुरकायस्थ की कंपनी PPK न्यूज क्लिक में 9.59 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए। अब हैरानी की बात है कि जब सिंघम की कंपनी ने प्रबीर पुरकायस्थ की कंपनी न्यूज क्लिक में पैसे लगाए उस वक्त न्यूज क्लिक घाटे में चल रही थी, उसके एक शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए थी, लेकिन नेविल रॉय सिंघम की कंपनी ने न्यूज क्लिक के शेयर को 10 रुपए के शेयर को 11,510 रुपए में खरीदा। गौर करने वाली बात यह थी कि न्यूज क्लिक में हिस्सेदारी 9.59 करोड़ के शेयर खरीदने के बाद नेविल सिंघम ने वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स को बंद कर दिया। लेकिन न्यूज क्लिक को उसके बाद भी नेविल रॉय सिंघम की कंपनियों से पैसे मिलते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है 2018 से 2021 के बीच न्यूज क्लिक को 28.29 करोड़ रुपए मिले। न्यूज क्लिक ने सरकार को बताया यह पैसा उसे विदेश में न्यूज कंटेंट, वीडियोस और दूसरी सर्विसेज के एवज में मिला। असल में न्यूज क्लिक मेनस्ट्रीम और सोशल मीडिया के लिए ऐसा कंटेंट तैयार कर रही थी जिससे भारत विरोधी नैरेटिव बनाया जा सके। आज IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि न्यूज क्लिक के बारे में जो खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है उसको देखकर
सरकार को कोई हैरानी नहीं हुई। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मोदी सरकार तो लंबे समय से ऐसे एंटी इंडिया नैरेटिव का मुकाबला कर रही है। सम कंट्रीज आर एक्टिवली फैनिंग मिस इन्फॉर्मेशन इन आवर कंट्री। कुछ देश भारत के न्यूज प्लेटफॉर्म्स की मदद से भारत के खिलाफ गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं। वो इस काम में कुछ सियासी दलों की भी मदद ले रहे हैं और इसी बहाने उनकी सहायता भी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये न तो कोई नया राज है और जो अभी अभी खुला है, और ना ही ऐसा पहली बार हो रहा है। इस नए खुलासे से पता चला है कि हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, हमारे खुले समाज और मीडिया पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। जब कुछ खास मकसद वाले लोग कुछ संगठनों के साथ मिलकर ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये समूह जबरदस्त आपसी तालमेल से काम करते हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते पोस्ट शेयर करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, हमारी सरकार को बदनाम करते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले काम करते हैं। ये लोग लगातार एक खास तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है कि न्यूज क्लिक कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करती है, कौन से वीडियोस बनाती है, न्यूज क्लिक के एक्सपर्ट्स कौन है, तो इसका जवाब तहकीकात में मिला, इन्वेस्टिगेशन में मिला। पता लगा कि न्यूज क्लिक को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो पैसा नेविल रॉय सिंघम के जरिए मिला, उस पैसे का कुछ हिस्सा भारत में उन लोगों तक पहुंचाया गया जो एंटी मोदी खबरें प्लांट करते हैं। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, कुछ मैं आपको बताता हूं। न्यूज क्लिक ने भीमा कोरेगांव हिंसा केस के आरोपी गौतम नवलखा को 29,53,000 रुपए का पेमेंट किया। गौतम नवलखा वैसे तो खुद को लेफ्टिस्ट बताते हैं, लेकिन वो प्रवीर पुरकायस के नजदीकी दोस्त हैं। प्रवीर पुरकायस ने उन्हें न्यूज क्लिक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया और फीस के तौर पर यह रकम अदा की। हालांकि इस समय गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव केस में हाउस अरेस्ट हैं। न्यूज क्लिक की तरफ से बप्पादित्य सिन्हा को 52,09,000 रुपए की पेमेंट की गई। बप्पादित्य सिन्हा सीपीएम की आईटी सेल के लिए काम करते हैं, सीपीएम के नेताओं के सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं। न्यूज क्लिक की तरफ से जिन लोगों को चीन से मिला पैसा बांटा गया, उनमें तीस्ता सेतलवाड़ का परिवार भी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों को पैसा दिया गया। तीस्ता सेतलवाड़ ने किस तरह गुजरात दंगों की आड़ में नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की मुहिम चलाई थी, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है। न्यूज क्लिक ने तीस्ता सेतलवाड़ के पति जावेद आनंद को 12,61,000 रुपए की पेमेंट की। तीस्ता की बेटी तमारा और बेटे जिब्रान को भी 10,93,000 रुपए दिए गए। इसके अलावा कई ऐसे पत्रकारों को भी न्यूज क्लिक की तरफ से पेमेंट किया गया जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ लिखते हैं और बोलते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब समझ में आया कि जब न्यूज क्लिक पर रेड की गई तो कुछ पत्रकार उसके बचाव में क्यों उतरे थे। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई नेविल रॉय सिंघम को, चाइना पीछे से करता है। और ये न्यूज क्लिक जो चलाई जाती किसी और के द्वारा नहीं, पुरकास्था द्वारा चलाई जाती है, जो पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड है, इसको पैसा भी किस किस से प्राप्त हुआ वो अगर आप मनी ट्रेल भी देखेंगे जो सामने नजर आता है तो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है इन्होंने ही यहाँ पर 27,51,00,000 रुपया न्यूज क्लिक में दिया, जो आगे जाकर इसमें से गौतम नवलखा को भी 20,53,000 रुपये गए हैं। और एक बप्पादित्य सिन्हा जो आईटी सेल मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, 82,00,000 रुपया उनको भी गया है। और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट को इसमें से पैसा गया, मैं उसके नाम लेने में नहीं जाऊंगा, वो इतने बड़े भी नहीं जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये शुरू तो की गई थी चाइना का नैरेटिव खड़ा करने के लिए दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको साथ में ले लिया भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। चाइना से पैसा लेकर भारत विरोधी एजेंडा कैसे चलाया जाता है इसको समझ लेते हैं।
न्यूज क्लिक की वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब चैनल्स, अगर बारीकी से पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि चीन को लेकर उनका रवैया बिल्कुल क्लियर है। जैसे यूट्यूब न्यूज क्लिक के कई वीडियोज ऐसे हैं जो चीन के बारे में है। एक वीडियो में दावा किया गया कि मोदी तो शी जिनपिंग को नहीं समझ पाए, लेकिन शी जिनपिंग मोदी और भारत को बखूबी समझते हैं। एक और उदाहरण, एक और वीडियो में सीमा विवाद को लेकर चीन के स्टैंड को हाईलाइट किया गया है। न्यूज क्लिक की कुछ स्टोरीज में फ्रांस से राफेल फाइटर प्लेन खरीदने के सौदे पर सवाल उठाए गए। थोड़े दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस वक्त अमेरिकी चिप कंपनी माइक्रोन के साथ समझौता हुआ था। माइक्रोन चिप असेंबली और टेस्टिंग का प्लांट गुजरात में लगाने वाली है। न्यूज क्लिक की रिपोर्ट में इस डील पर सवाल उठाए गए। ईडी की जब जांच हुई तो नेविल रॉय सिंघम और न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरखायस के बीच ईमेल पर बातचीत के सबूत मिले। इन ईमेल्स में नेविल सिंघम ने प्रबीर पुरखायस को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। सिंघम ने चाइनीज फिल्मों की डबिंग के लिए भी न्यूज क्लिक से कॉन्ट्रैक्ट किया था। दोनों के ईमेल में चीन के नक्शे भी मिले थे जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। न्यूज क्लिक के डायरेक्टर्स ने कई बार चीन, वेनेजुएला और ट्यूनिशिया जैसे देशों का दौरा किया, इसके सबूत भी मिले हैं। चीन का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए न्यूज क्लिक ने चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा के बारे में स्टोरीज की थी। इसके अलावा अफ्रीकी देशों में चाइना के इन्वेस्टमेंट पर कई रिपोर्ट्स फाइल की गई थी जिनमें चीन की तारीफों के पुल बांधे गए। कुल मिलाकर न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की रिपोर्ट ने साबित किया है कि नेविल रॉय सिंघम के कहने पर न्यूज क्लिक चीन की, वहां की सरकार की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की इमेज चमकाने का काम कर रही थी। जब 2021 में न्यूज क्लिक के दफ्तर पर ईडी ने रेड की थी, उस वक्त कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने बड़ा हंगामा किया था। दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि सरकार आजाद मीडिया पर प्रेशर डालकर उसे चुप करवा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के छापों को फर्जी बताया था। सीपीएम ने न्यूज क्लिक पर छापेमारी का विरोध करते हुए इसे मीडिया पर हमला बताया था। इसीलिए आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज क्लिक को चीन से हो रही फंडिंग की बात की गई, ये खुलासा हुआ, तो सरकार ने सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल पूछे। अनुराग ठाकुर ने कहा, अब तो कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी को तो चीन का साथ एक चीन राहुल गांधी का चीन के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था। जब इनको निमंत्रण मिला, सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए, तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था, ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। अब मैं आपको इस पूरे मामले में न्यूज क्लिक का पक्ष बताता हूं, वो क्या कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और बीजेपी के आरोपों के जवाब में न्यूज क्लिक ने अब से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है। न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरखायस ने इस बयान में कहा कि उनके और उनकी संस्था के ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और हकीकत से परे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक एक स्वतंत्र मीडिया संगठन है। बयान में न्यूज क्लिक ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर अदालत में केस चल रहा है, इसलिए इस वक्त उन केसेस को लेकर इल्जाम लगाना न्यूज क्लिक को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र बताना ठीक नहीं है।
प्रवीप गैस ने कहा कि न्यूज क्लिक पूरी तरह से भारतीय कानूनों के मुताबिक चलती है और दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर कंपनी के स्टैंड को माना था। बड़ी बात यह कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा हुआ। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे थे, उसी वक्त स्पीकर ने राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंच गए। 137 दिन के बाद पार्लियामेंट में घुस रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट परिसर में विरोधी दलों के सांसदों को मिठाइयां खिला रहे थे, राहुल गांधी के पक्ष में नारे लग रहे थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे तो यही विवाद उनका इंतजार कर रहा था। ये चीन का विवाद, ये न्यूज क्लिक का विवाद उनके सामने था। जैसे ही राहुल गांधी लोकसभा पर अपनी सीट पर बैठे, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक के बारे में खुलासे को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। कारण ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा पूरा खुलासा किया है, और वो जो न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकाश्त उसका मालिक है, उसके सारे पैसे में कहां कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोनी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं, और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस नहस करना चाहती है। राहुल गांधी लोकसभा में 5 मिनट बैठकर निकल गए, लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल पर जो हमला किया वो कांग्रेस के सांसदों को खल गया। अधीर रंजन चौधरी ने बिना देर के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन की मांग की। इल्जाम लगाया कि निशिकांत दुबे ने बिना नोटिस दिए मामला उठाया, ये नियमों के खिलाफ है। आज राहुल जी गुस्से हैं, उनके खिलाफ गाली गलौज शुरू कर दिए हैं। सदन बैठते ही राहुल गांधी जी खुद, उनके कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जवाब देना उनके भी अधिकार बनते हैं। तो इस तरीके की नियम की रीति को रिवाज की सारे हमारा सदन के अंदर जो हमारा परंपरा है सबको धज्जियां उड़ाते हुए ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने सत्ता को बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर भी करते हैं। मुझे अब ये कहने पड़ेगा सदन के अंदर भी ये अपने तई तरीके को बेजा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि सत्ता पर है ही हो। लेकिन दूसरी तरफ हम जब बोलने का कोशिश करते हैं हमें कुछ नहीं बोलने दिया, बड़े मेहनत करके बाद मैं 2-4 सब लग बोलने का कोशिश किया, फिर भी टूटने लगे। लेकिन वो चीन से तमाम तरह के ताल्लुकात कांग्रेस से हैं, ये बात करें तो ये तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा कि ये तो सब्सटेंटिव मोशन लाइए, प्रिविलेज लाइए, सदन के अंदर चर्चा कीजिए किसी के कानून के तहत, बाहर बाहर क्यों? जब राहुल जी आए हैं उसी दिन सबको याद आ गए। मुझे लगता है अगर इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करें तो ये रोज रोज की राजनीति से, आरोप प्रत्यारोपों से कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा सीरियस है। पहली बात यह खबर अमेरिका के ऐसे अखबार में छपी जिसे एंटी मोदी माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पिछले 9 साल से लगातार मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ खबरें छापने के लिए मशहूर है, इसलिए वहां यह खबर छपना कि चीन भारत में पैसा पंप करके मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है चौंकाने वाला है। चीन भारत में यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स और पत्रकारों को फंड करके भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, ये चिंता में डालने वाला है। दूसरी बात यह कि इन मामलों की जांच हमारे देश की एजेंसीज पहले से कर रही हैं, लेकिन उनकी जांच को ये कहकर बायस करार दे दिया गया था कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन एजेंसीज ने जो जांच की
उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है और इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सीपीएम के एक बहुत बड़े लीडर ने नेविल रॉय सिंघम को ईमेल में लिखा, जब से बॉर्डर पर डिस्प्यूट हुआ तब से भारत में एंटी चाइना फीलिंग बढ़ रही है और इसका जबरदस्त असर हुआ है। वो आगे लिखते हैं, भारत सरकार चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, पाबंदियां लगा रही है, इससे हमारे देश का बहुत नुकसान होगा। आप सोचिए, ऐसी सोच रखने वाले देश का कितना नुकसान कर सकते हैं। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि कुछ वेबसाइट्स को, कुछ यूट्यूब चैनल्स को, कुछ पत्रकारों को पैसा दे के खरीद के चीन भारत का क्या बिगाड़ लेगा। मेरा कहना है कि यह मुद्दा छोटा नहीं है, यह बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा है, यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टेक्नोलॉजी के जमाने में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, सिर्फ सैनिकों के जरिए सरहद पर नहीं लड़े जाते, इस जमाने में इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी जाती है। अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए डिजिटल प्रोपेगेंडा को हथियार बनाया जाता है। मुझे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात याद आती है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अब दुनिया में युद्ध इंफॉर्मेशन का होगा, सूचना का होगा, और वही हो रहा है। चीन की हरकत उसी का सबूत है। आजकल कई लोग ये एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करते हैं कि मोदी चीन से डरते हैं, चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों की पिटाई कर दी, चीन बहुत ताकतवर है, उसने सड़कें बना ली, हमारी सरहद पर कॉलोनियां बसा ली, हम कुछ नहीं कर सकते। ये नेगेटिव नैरेटिव इसी प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। यही लोग कहते हैं कि चीन में कितनी अच्छी सरकार है, लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि चीन में बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वहां तो बड़े बड़े मिनिस्टर रातों रात गायब हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज का पता ही नहीं चलता कहां गए। इसे चीन और भारत में मीडिया की अभिव्यक्ति की तुलना करना बेमानी है। लेकिन चीन इंफॉर्मेशन वॉर सिर्फ भारत से लड़ रहा है ऐसा नहीं है, चीन पूरी दुनिया में यह कर रहा है। जो छोटे देश हैं उनको कर्ज देकर उन देशों को अपना गुलाम बनाता है, और जिन देशों पर चीन की दादागिरी नहीं चलती उनमें इस तरह की प्रोपेगेंडा वॉर करके वहां की सरकारों को कमजोर करने की कोशिश करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, और चीन की सुप्रीमेसी स्थापित करने की कोशिश हमेशा होती है। यह चीन की फितरत है। अपने लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी प्रभाव में काम करने वाले यूट्यूबर्स पर, वेबसाइट्स पर नजर रखें, पेड न्यूज पर भरोसा नहीं करें। ये वही लोग हैं जो असली मीडिया को बदनाम करते हैं और खुद पैसे बनाते हैं। इसलिए इस प्रकरण को ध्यान से समझने की जरूरत है, हर भारतीय को संभलने की जरूरत है। हालांकि पार्लियामेंट में एंटी मोदी मोर्चे ने आज एकता दिखाने में पूरी ताकत लगाई, इसके बाद भी मोदी सरकार भारी पड़ी। दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने विपक्ष को जोरदार जवाब दिया, कांग्रेस को आईना दिखाया, आम आदमी पार्टी को बता दिया कि बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और यह भी बता दिया कि विरोधी दल किस मजबूरी में केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार, इससे दिल्ली से जुड़े इस बिल पर राज्यसभा में जोरदार बहस हुई, लेकिन इस बिल पर सियासी डायलॉगबाजी ज्यादा हुई, बिल पर बहस कम हुई। विरोधी दलों को पहले अंदाजा हो गया था कि राज्यसभा में सरकार का पक्ष मजबूत है, हार निश्चित है, इसलिए विरोधी दलों की कोशिश सिर्फ एंटी मोदी मोर्चे की एकजुटता दिखाने पर थी, और वो दिखी भी। मोर्चे में शामिल कांग्रेस समेत दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज ने अरविंद केजरीवाल से किया वादा निभाया, लेकिन जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने जवाब दिया तो विरोधी दलों के पास जवाब नहीं था। अमित शाह ने कहा, यह बिल पूरी तरह संविधान के दायरे में है, अध्यादेश इसलिए लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को रोकना था। होम मिनिस्टर ने कहा कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, लेकिन वो ताकत प्रधानमंत्री की चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से माननीय पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी,
वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा। जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं, तो संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी से, और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकते सपने पूरे हो सकते। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना पड़ता। एक डील हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर। बीजेडी, वायरस और टीडीपी जैसी पार्टियों पर सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने तीखे तंज किए। ये तीनों पार्टियां इस बिल का समर्थन कर रही हैं। सांसदों ने चेतावनी दी थी कि अगर आज इस बिल का समर्थन इन पार्टियों ने किया तो उनके राज्य में भी केंद्र सरकार ऐसा ही करेगी। इन आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सांसद झूठ फैला रहे हैं, केंद्र को जो ताकत संविधान से दिल्ली के लिए मिली है वो किसी और राज्य के लिए नहीं मिली। आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीजों को जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते, मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। माननीय, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर माननीय इसका रास्ता निकलेगा। और इसके बाद अमित शाह कांग्रेस पर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूरी में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। हकीकत तो यही है कि कांग्रेस ने जो संविधान संशोधन किया उसी संशोधन के तहत मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है, लेकिन अब कांग्रेस अपने संविधान संशोधन के खिलाफ खड़ी हो गई है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तो अपनी सरकार बचाने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए संविधान में संशोधन किए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार तो सिर्फ दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कानून ला रही है, और इस कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी इसका भी खुलासा अमित शाह ने किया। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो माननीय मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। कोई भी विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बना गया, किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी, इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, यही जिसको निशाना बनाया गया वही विजिलेंस में, विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी। चूंकि बिल दिल्ली सरकार से जुड़ा है,
इसलिए सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। संजय सिंह को पूरे सत्र के निलंबित कर दिया गया है, वो अच्छे स्पीकर हैं लेकिन उनकी एब्सेंस में आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा ने मैं कहूंगा जोरदार स्पीच दी। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के अंश पढ़े, कहा जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। केंद्र सरकार का हाल भी कौरवों जैसा हो गया है, उसके पास पूरे देश की सत्ता है लेकिन वो पांडवों को 5 गांव के बराबर दिल्ली देने को भी तैयार नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार जो कानून बना रही है वो संविधान के खिलाफ है। मोदी सरकार भले विपक्ष की बात न सुने लेकिन उसे कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को तो याद करना चाहिए जो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा करते थे। राजनीतिक धोखा, यह कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। सर यह बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, यह बिल लालकृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर कम से कम लालकृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राज्य सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। राघव चड्ढा का इशारा नवीन पटनायक की बीजेडी, जगमोहन रेड्डी के वायरस और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की तरफ था। इन तीनों पार्टियों ने पहले ही साफ कर दिया था वो इस बिल को सपोर्ट करेंगी। क्योंकि राघव चड्ढा ने इन पार्टियों पर सीधे सवाल उठाए, जवाब दिया बीजू जनता दल के सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने। सस्मित ने कहा उनकी पार्टी किसी गुट पे नहीं है, किसी के कहने पर नहीं चलती, बीजेडी ने सोच समझ कर फैसला लिया है, कानून के हिसाब और संविधान की मूल भावना के हिसाब से जो सही है बीजेडी वही कर रही है। बीजू जनता दल इक्विडिस्टेंट स्टैंड फ्रॉम द बीजेपी एंड द कांग्रेस एंड द रीजंस फॉर द सेम एंड द फैक्ट दैट बीजेपी इज आवर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है, बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बीजू जनता दल दैट द पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू अंडरटेक सच एन एक्टिविटी उसके साथ। पार्लियामेंट के पास तमाम वो पावर्स हैं जिससे कि 239AA जो कि दिल्ली एनसीटी के बारे में है उस पर अपने रूल्स अपने लॉज कर सकता है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, दिस इज अ लेजिस्लेटिव इशू, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वन, दिस इज एन इशू व्हिच इज बिफोर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट एंड इट्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, इट्स नॉट अबाउट पार्टीज और गवर्नमेंट्स। सर किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े महापुरुष ने, एक बहुत बड़े लीडर ने, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, संविधान रहना चाहिए, इस देश का संविधान, इस देश की सोच रहनी चाहिए। इसके बाद मनोज झा खड़े हुए। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, आरजेडी विरोधी दलों के अलायंस का हिस्सा है इसलिए आरजेडी ने वादे के मुताबिक इस बिल का विरोध तो किया लेकिन साथ ही साथ केजरीवाल को भी इतिहास याद दिला दिया। मनोज झा ने कहा कि जो गलती आज बीजेडी, वायरस और टीडीपी कर रही है वही गलती आर्टिकल 370 हटाने के वक्त केजरीवाल की पार्टी ने भी की थी। मनोज झा ने कहा कि अब केजरीवाल को अपनी गलती समझ आ गई है, बहुत जल्दी बीजेडी, वायरस और टीडीपी को भी अपनी गलती का एहसास होगा। फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, इक्वी डिस्टेंस। सर इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूट्रलिटी। जब चूहे की पूंछ पे हाथी का पांव पड़ा हो तो न्यूट्रलिटी उस चूहे से पूछिए कि उसको कैसा लग रहा है। तो मैं समझता हूं, इसलिए सर एक शेर अर्ज किया है, आज बड़े शेर पढ़े गए हैं, सुधांशु जी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूं सर। ये परोस के मुल्क से आया है,
तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास, इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला, आपकी पेशे नजर है जी। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी के कार्यप्रणाली का विरोधी हूं सर, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, ना सदन में ना सदन के बाहर। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है, साहब हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, हम वो भारत वर्ष है जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं हम भी हैं, हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। सर हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना, हम तो कश्मीर चल रहा था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। इस बिल पर बहस की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने बिल के प्रोविजन का जिक्र किया और इल्जाम लगाया कि इस बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार का हक छीनना है, ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दिल्ली पर शासन करने की कोशिश है। हर छोटी चीज के लिए एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर कब्जा, निर्बाध कब्जा है। ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास, और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृहमंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों, ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। आज इस बहस में बहुत सारे लोग बोले, कुछ चुनी हुई बातें मैंने आपको सुनाई, 6 घंटे से ज्यादा बहस हुई, अभी भी वोटिंग को लेकर हंगामा चल रहा है। एक संशोधन प्रस्ताव रखा गया है जिस पर बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा के दस्तखत थे, लेकिन सस्मित पात्रा ने कहा कि उन्होंने किसी ऐसे प्रस्ताव पर साइन नहीं किया, उनके फर्जी दस्तखत किए गए हैं। जैसे ही सस्मित ने कहा तो अमित शाह खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि वो कुछ देर पहले दिल्ली सरकार में चल रहे फर्जीवाड़े की बात कर रहे थे, लेकिन यहां तो सदन में भी फ्रॉड हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये प्रिविलेज का मामला है। हालांकि डिप्टी स्पीकर ने किसी तरह से विवाद को शांत कराया, और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को लेकर लाए गए बिल पर आज जो चर्चा हुई उसमें फैक्ट से ज्यादा राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया। फैक्ट्स पर अगर किसने बात की तो बात की फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने। जस्टिस गोगोई आज पहली बार राज्यसभा में बोलते दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि कोई बिल गैर कानूनी है, इसके 3 पैमाने होते हैं। पहला, क्या बिल संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का हनन करता है, फंडामेंटल राइट्स को हनन करता है। दूसरा, क्या बिल संविधान के नियम कायदों का वायलेशन करता है। और तीसरा, क्या केंद्र सरकार के किसी कानून से फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्होंने सरकार के बिल को ध्यान से पढ़ा है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो कह सकते हैं कि इस बिल से न तो मूल अधिकारों का हनन होता है, न ये बिल संविधान के खिलाफ है, और न देश के फेडरल स्ट्रक्चर को इससे कोई खतरा है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि अगर इसके बाद भी किसी को कोई संशय हो तो अंतरात्मा की आवाज पर बिल के खिलाफ वोट कर सकता है, और फिर अगर कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता भी खुला है। मुझे लगता है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये कहने के बाद विवाद की कोई गुंजाइश बचनी नहीं चाहिए। बाकी जो सियासी बयानबाजी है वो तो होती रहेगी, अमित शाह ने 2 लाइन में इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा अगर किसी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है तो दिल्ली में MLA का चुनाव लड़ने से तो ये पूरी नहीं होगी, इसके लिए तो लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा।
राज्यसभा में 6 घंटे की करारी बहस के बाद इस वक्त दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग चल रही है। लॉबीज क्लियर कर दी गई हैं, सेक्रेटरी जनरल ने वोटिंग का प्रोसेस मेंबर्स को बता दिया है। अब दिल्ली सर्विसेज पर वोटिंग के लिए फ्लोर ओपन है, सीधे चलते हैं राज्यसभा। In order to register a valid vote, during the voting period, the member can change his or her vote at any time. The vote cast at the time when the voting period is ending will be valid. That is, the buttons kept pressed at the 10th second will be recorded. In case either one or both buttons are released prior to close of voting period, the vote will not be registered. The countdown time is also indicated on the display board. If a member finds that he or she has voted by mistake by pressing the wrong button, he or she can be allowed to correct the mistake through a correction slip devised for the purpose, provided he or she brings it to the notice of the chairman before the result of division is announced. The correction slips will be distributed to the honorable members who desire to correct their recorded vote by the officials of the secretariat. I shall now again read as the process. I shall now put the motion that the bill be passed to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. Division. 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 Now, division. Now, Secretary General will please. Wait. Please. Have patience, please. सदस्य हम स्लीप के द्वारा डिवीजन पे जाएंगे, मशीन में कोई प्रॉब्लम है। प्लीज स्लीप। अभी डिप्टी स्पीकर ने बताया कि जो मशीन्स हैं जिनके ज़रिए वोटिंग होती है, जो बटन दबाकर वोटिंग होती है, वो मशीन्स ख़राब हैं, इसलिए पर्ची के ज़रिए वोटिंग होगी। और पर्ची के ज़रिए जब वोटिंग होगी तो प्रोसेस काफ़ी लंबा चलेगा। एक ज़माना था सिर्फ पर्ची से वोटिंग होती थी, पर्चियाँ गिनी जाती थी बाद में, लेकिन बाद में एक सिस्टम आया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। और जो नई पार्लियामेंट है वो मैंने देखी है, उसमें जब शिफ्ट हो जाएगा तो वो कंप्यूटराइज डिजिटल वोटिंग है, वहाँ बहुत आसान होगा वोटिंग करना किसी भी मेंबर को। ये जो सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के, ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। और जैसा आपने देखा कि आज ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम फेल हो गया, तो बिल्कुल पुराने दौर में चले गए। पर्ची के ज़रिए हर मेंबर अपनी राय जाहिर करेगा। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग चल रही है, और जैसा मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया, इसलिए पर्ची के जरिए वोटिंग की जा रही है। वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी आई है, अब सदस्यों को पर्ची दी जा रही है, सारे सदस्य पर्ची के जरिए अपना वोट देंगे। इस प्रोसेस में काफ़ी वक्त लग सकता है। प्लीज
पुराने समय से अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। प्लीज राजीव माने माने शक्ति सिंह जी अपनी सीट पर, अपनी सीट, अपनी अपनी सीट पर जाएं। प्लीज अपनी अपनी सीट पर जाएं प्लीज। गुप्ता जी, गुप्ता जी इस तरह खड़े हो तो बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। संजय जी प्लीज 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 टेक योर सीट्स प्लीज। सदन में शांति रखें प्लीज। मिस्टर वासन प्लीज बी एट योर सीट प्लीज। मिस्टर बैस्या प्लीज बी एट योर सीट प्लीज प्लीज। सभी माननीय सदस्यगण अपनी अपनी सीट पर बैठे प्लीज। नीरज जी, नागर जी, प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठे, अपनी सीट पर जाइए प्लीज, अपनी सीट पर जाइए प्लीज, अपनी अपनी सीट पर जाए प्लीज। अपनी सीट पे जयराम जी प्लीज। माननीय जयराम जी, माननीय जयराम जी प्लीज बी एट योर सीट प्लीज। मैं सबसे आग्रह, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी प्लीज प्लीज टेक योर सीट। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज प्लीज, मैडम गो बैक टू योर सीट। यादव जी, संगीता यादव जी प्लीज गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट प्लीज। अब से थोड़ी देर बाद ये बिल पास हो जाएगा और बिल पास होने के बाद दिल्ली सरकार के असली बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, एक कमेटी इसका फैसला करेगी जिसमें चीफ मिनिस्टर के अलावा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी भी होंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो आखिरी फैसला एलजी का होगा। इसी तरह दिल्ली के तमाम निगम और बोर्ड के अध्यक्षों का फैसला भी एलजी करेंगे। बड़ी बात है, अगर दिल्ली सरकार की कैबिनेट या उसके मंत्री के फैसले पर उस विभाग के सचिव को एतराज होगा तो सेक्रेटरी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है और एलजी को अपनी नोटिंग भेज सकता है। यानी अब केजरीवाल न तो विज्ञापनों पर मनमाने ढंग से खर्च पर कर पाएंगे और न ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी विभागों में वॉलंटरी के तौर पर नौकरी पर रख पाएंगे। बिल पर वोटिंग चल रही है और दिल्ली सर्विसेज बिल पर वोटिंग का नतीजा क्या होगा ये विरोधी दलों के नेता भी जानते हैं और सरकार को भी पता है। लोकसभा में तो बिल तुरंत पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को एंटी मोदी मोर्चे की एकता को दिखाने का जरिया बनाया गया है। केजरीवाल ने भी मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया, कांग्रेस को एक तरह से मजबूर कर दिया कि वो उसके पक्ष में खड़ी दिखाई दे। लेकिन अब कांग्रेस को अमित शाह की वो बात याद आ रही होगी जो उन्होंने लोकसभा में कही थी,
अमित शाह ने कहा था यह बिल तो पार्लियामेंट पास हो जाएगा लेकिन उसके बाद केजरीवाल विरोधी अलायंस पे रहेंगे या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। आज की बात में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।